India started the Wrestling World Championship on a negative note, with none of the Greco-Roman wrestlers qualifying for the finals. Yogesh in the 71kg category, Gurpreet Singh in 75kg, Ravinder Khatri in 85kg and Hardeep in 98kg failed to cement their places in the finals. Wrestling coach Yashvir Singh speaks on India's day one performance. Yashvir, in an exclusive chat, revealed how and where Greco-Roman lacks in India. ये एक सच्चाई है हमारे देश में कि ग्रीको रोमन को हमें दूसरे दर्जे का मानते हैं. हमारे सोशल अगर उसमें देखिए हम, क्योंकि जितने टूर्नामेंट्स फ्री स्टाइल में होते हैं, लोकल टूर्नामेंट्स बोल लो या दूसरे टूर्नामेंट्स बोल लो, जो भी अगर आम पब्लिक भी कराती है, जितने टूर्नामेंट वो 99% फ्री स्टाइल के ही होते हैं हमारे, तो उन्हीं में ज़्यादा कंपटीशन भी होता है, उन्हीं में आज के दिन पैसा भी है, हर तरह का ग्लैमर्स जो है वो फ्री स्टाइल में ज़्यादा है. इसलिए ग्रीको रोमन में हमारे वो अच्छे लड़के, जो टैलेंटेड लड़के हैं, वो नहीं आते. ये एक सच्चाई है हमारे देश की. तो इस वजह से हमें उस स्टैंडर्ड को नहीं पकड़ पा रहे, हम जो हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल दिला सके. विद नेम एंड फेम इन फ्री स्टाइल, द रेसलर्स डोंट गो फॉर ग्रेको रोमन एंड दैट इज वेयर देयर इज अ कल्चरल गैप बिटवीन द टू कैटेगरीज, फील सिंह. सबसे उसके बड़ा कारण जो है हमारा स्पोर्ट्स कल्चर, हमारा ग्रीको रोमन जो रेसलिंग वो कल्चर नहीं है हमारे देश में, फ्री स्टाइल कल्चर है, उसका बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है ग्रीको रोमन के लिए.